स्पीच आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां शाहीन बाग में एक घर से 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध ड्रग्स मिलने से हड़कंप मच गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की है। इस बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। छापेमारी में करोड़ों के ड्रग्स के अलावा 30 लाख रुपए कैश और यहां तक कि नोट गिनने की मशीन भी बरामद की गई है। अब एनसीबी ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है और एनसीबी की तरफ से फिलहाल ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से तस्करी कर ये ड्रग्स लाए गए थे और इसे इंटरस्टेट गिरोह के हवाले करने की तैयारी में जुटे थे ये तमाम जो तस्कर हैं। जांच में ये भी मालूम पड़ा है कि कपड़े, मसाले और अन्य सामानों की आड़ में ये गिरोह ड्रग्स की तस्करी करता है। इंडो अफगान सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए कुछ और जगहों पर एनसीबी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। पकड़ा गया सिंडिकेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे तमाम स्टेट्स में ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क चलाता है और रोड नेटवर्क के साथ साथ समंदर के रास्ते भी ड्रग्स की तस्करी को अंजाम देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।